एक ऐसी मूवी जिसके टीजर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है, लेकिन इमोशंस से कनेक्टेड इस मूवी को लिटरली बड़े स्क्रीन पर हर कोई देखना पसंद करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आदिपुरुष मूवी के बिहाइंड द सीन्स और VFX ब्रेकडाउन, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिनेमा चैनल। तो अगर आप भी प्रभास सर के फैन हो या बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई और किस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस मूवी को शूट किया गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रभास की मच अवेटेड मूवी आदिपुरुष, इस मूवी को ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में आपको प्रभास एस राघव देखने को मिलेंगे और कीर्ति सैनन आपको जानकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सनी सिंह ने लक्ष्मण का रोल प्ले किया है और सैफ अली खान लंकेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ये मूवी किस टाइप का VFX हमें डिलीवर करने वाली है और CGI किस किस लेवल पे होने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण आई थी तो उस टाइम पे कोई भी VFX नहीं था, तो ये बस आपका एक भ्रम है, क्योंकि उस टाइम पे भी ब्लू बैकग्राउंड पे शूटिंग हुआ करती थी जिनको इमेजिनेशन बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता था। आप रामानंद सागर के रामायण के राम सेतु वाले सीन को ही देख लो, जिसकी शूटिंग के लिए ब्लू बैकग्राउंड का यूज किया गया था और बाद में इमेजिनेशन वाला बैकग्राउंड ऐड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी एक बात समझ नहीं आती कि 1987 में शूट होने के बावजूद भी रामायण के विजुअल्स आदिपुरुष को टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना बेस्ट VFX देना अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल था। और 2022 में तो इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप फिर भी देख लो कि आदिपुरुष मूवी हमें किस टाइप का VFX डिलीवर करती है। आदिपुरुष की VFX और CGI डिटेलिंग जानने से पहले आपको बता दें कि ग्रीन या ब्लू बैकग्राउंड की हेल्प से किस टाइप से CGI और VFX क्रिएट किए जाते हैं। चलो कि एग्जांपल से समझाते हैं। आप इस वाले सीन को देख सकते हो जिसमें क्रिस को रियल में उड़ते हुए दिखाने के लिए ग्रीन बैकग्राउंड का यूज लिया गया था, जिसमें आप येलो कलर के ट्रैकिंग पॉइंट्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके हेल्प से एक डमी कैमरा क्रिएट किया गया और उस डमी कैमरे की हेल्प से CGI वाली बिल्डिंग्स को ग्रीन बैकग्राउंड की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया था। आप फाइनल फुटेज इस वाले सीन का स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर क्रिस वाला ये सीन देखने में रियल लगता है, पर आदिपुरुष के टीजर में जो VFX दिखाया गया है, जो CGI दिखाई गई है, वो देखने में कहीं भी रियल नहीं लगती है, जबकि ऐसा लगता है कि 80% सीन्स बैकग्राउंड के साथ मर्ज होते हुए नहीं दिखाए जाते, कहीं लाइट की कमी है तो कहीं सिनेमैटिक शॉट्स की। आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा जब रावण पुष्पक विमान से सीता का हरण करके ले जाता है। आप रामानंद सागर के रामायण ही देख लो, इसमें पुष्पक विमान को दिखाने के लिए किंगफिशर पक्षी के आकार का दिखाया गया था, लेकिन आदिपुरुष मूवी में पुष्पक विमान को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है जिसमें देखने में ऐसा लगता है कि रावण ड्रैगन के ऊपर बैठ के आता है। इस वाले सीन का VFX और CGI बिल्कुल कार्टूनिस्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में इमेज को यूज करके सीन को क्रिएट किया गया हो। चलो एक बार इस सीन को देखते हैं कि इस सीन को किस प्रकार बनाया गया होगा। सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज ली गई होगी, उसके बाद सैफ अली खान का ग्रीन बैकग्राउंड पर सीन शूट किया गया होगा, उसके बाद एक ड्रैगन ऐड करके उसमें मोशन ब्लर इफेक्ट यूज करके इन सारे सीन्स को मर्ज करके यह वाला सीन बनाया गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह वाला सीन मूवी में देखने में कैसा लगेगा कि रावण एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के आता है। आपको पता है कि आदिपुरुष मूवी के VFX पर 350 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि ये मूवी हमें किस टाइप का VFX या किस टेक्नोलॉजी का VFX हमें डिलीवर करती है। सैफ अली खान का ड्रैगन पर बैठने वाले सीन को आप इस दूसरे वाले सीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यह वाला सीन जर्नी टू मूवी का है, जिसमें एक्टर्स को एक मधुमक्खी के ऊपर बैठना था, तो इस वाले सीन के लिए एक प्रॉपर मधुमक्खी वाला फिजिकल सेट बनाया गया, जिसमें ब्लू स्क्रीन की हेल्प से एक मधुमक्खी का ऑब्जेक्ट बनाया गया और इस डमी ऑब्जेक्ट पर एक्ट्रेस को बैठा के सीन को ब्लू बैकग्राउंड पर शूट किया गया था। बाद में डमी मधुमक्खी की जगह CGI वाले 3D मक्खी को रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जर्नी 2 का बजट उतना ही है जितना आदिपुरुष मूवी का। आपको बता दें कि आदिपुरुष मूवी के डायरेक्टर ओम राउत ने अजय देवगन स्टारर तानाजी मूवी को डायरेक्ट किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आदिपुरुष मूवी 1996 में आई एक जापानी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस से इंस्पायर्ड है। आपको बता दें कि आदिपुरुष मूवी के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हॉलीवुड की अवतार मूवी में भी यूज की गई थी। हम बात कर रहे हैं मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की। आदिपुरुष मूवी के टीजर में जो वानर सेना दिखाई जाती है उनको CGI के थ्रू ही क्रिएट किया गया था और बाद में मोशन कैप्चर वाले टेक्नोलॉजी की हेल्प से सीन को कंप्लीट शूट किया गया था। आपने अवतार मूवी में ऐसी टेक्नोलॉजी देखी ही होगी। आदिपुरुष मूवी अब तक की सबसे महंगी इंडियन फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 550 करोड़ के करीब का है। टीजर से पहले इस मूवी के
VFX पर तकरीबन 250 करोड़ का खर्चा किया गया था, लेकिन VFX ट्रॉलिंग के बाद इस मूवी के VFX को 100 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। मतलब अब इस मूवी के VFX का बजट 350 करोड़ का है। VFX पर इतना खर्चा अब तक किसी भी इंडियन मूवी में नहीं किया गया है। इस मूवी की स्टोरी लाइन रामायण पर बेस है। आपको बता दें कि 7000 साल पहले जब लंका के राजा लंकेश जानकी का अपहरण कर लेते हैं, तो अयोध्या के राजा राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंका राज्य की यात्रा करते हैं। इस मूवी में यही जर्नी दिखाई गई है। बात करें फिल्म की शूटिंग की, तो आपको बता दें कि 19 जनवरी 2021 को मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया था, और इस मूवी को ऑफिशियली 2 फरवरी 2021 को एक मॉरस शॉट के साथ स्टार्ट कर दिया गया था। शूटिंग के पहले दिन ही मूवी के सेट पर भीषण आग लग गई थी। इस कारण मूवी के डुप्लीकेट सेट बनाए गए, जहां पर शूटिंग को फिर से स्टार्ट किया गया। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कीर्ति सैनन ने फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया था, और नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग को कंप्लीट कर लिया था। 103 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को ऑफिशियली 10 नवंबर 2021 को रैप अप कर लिया गया था। आप प्रभास और मूवी के डायरेक्टर ओम राउत को मस्ती करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस मूवी में पहले जानकी का रोल प्ले करने के लिए कियारा आडवाणी, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शेट्टी और कीर्ति सुरेश को अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में कीर्ति सैनन को फाइनल कर लिया गया था। अगर टीजर के VFX की ट्रॉलिंग के बाद अगर मूवी को रिशूट करके CGI और VFX में चेंजेस किए गए हैं, सच में पर्दे पर कुछ नया नजर आने वाला है, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इस मूवी को 16 जून 2023 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट में आपको KGF और RRR मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने अब तक माय सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस मूवी के कुछ और बिहाइंड द सीन्स आपको चैनल पर जल्द देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर